नमस्कार, महाराणा 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। बिहार के खगड़िया लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना है और खगड़िया लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होगा, जहां पर वैसे तो कुल 12 उम्मीदवार चुनावी रण में किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला LJP-R के राजेश वर्मा और CPI-M के संजय कुशवाहा के बीच में है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में यहां से LJP ने जीत हासिल की थी और इस बार वो हैट्रिक लगाने की ताक में है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया उलटफेर करने की फिराक में है। यहां आपको बता दें कि खगड़िया में दोनों प्रत्याशी पहली बार मैदान में हैं और फिलहाल LJP-R के गढ़ में जनता का क्या मूड है और वो किन मुद्दों पर इस बार वोट करेगी, देखिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार की इस खास रिपोर्ट में। बिहार की खगड़िया लोकसभा सीट इन दिनों सबसे चर्चित और हॉट सीट बनती नजर आ रही है, क्योंकि यहां से स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ जो लेफ्ट के उम्मीदवार हैं यहां से इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं। और ये सबसे हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि चिराग पासवान का ये गढ़ है और चिराग पासवान का ये घर भी है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अब लेफ्ट के जो नेता हैं यानी कि संजय कुशवाहा जो है वो यहाँ से चुनाव में उतरे हैं, राजेश वर्मा जो है वो लोजपा रामविलास से उम्मीदवार हैं, और तमाम लोग जो है यहाँ के क्या कहते हैं, क्या वोट देंगे और किसको किसको वोट दीजिएगा? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को? चिराग पासवान अच्छा नेता है, युवा नेता है। अच्छा, यहाँ से संजय कुशवाहा भी उतरे हुए हैं, राजेश वर्मा भी है, बेहतर चेहरा कौन है? बेहतर राजेश वर्मा जी है। राजेश वर्मा है। हाँ। राजेश वर्मा की बात की जा रही है, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये खगड़िया सबसे हॉट सीट बन गया। इस बार किसको वोट दीजिएगा बाबा? वोट दीजिएगा चिराग का। चिराग को वोट दीजिएगा? तो कह रहा आदमी की बाहर का नेता चला आया है राजेश वर्मा, भागल कोई बाहर का नेता नहीं है, देंगे चिराग के वोट। चिराग को दीजिएगा? अगर यहाँ पर कहा जाए सबसे परेशानी क्या है, तो कौन सबसे परेशानी क्या? बिजली आता है? हाँ, बिजली आता है। बिजली, सड़क, सब सुविधा है? सब सुविधा है। शिक्षा, उसका शिक्षा यहाँ पर है, रोजगार है? शिक्षा रोजगार हल्का फलका है। कमी है? किसकी चीज का कमी है? कमी है ब्लॉक का, ब्लॉक दीजिए। ब्लॉक यहाँ ब्लॉक नहीं है? ना, ब्लॉक नहीं। शिक्षा रोजगार का आज भी अभाव है? हाँ, अभाव है। वोट किसको दीजिएगा? कह रहा है कि राजेश वर्मा मोदी जी के। मोदी जी को वोट? हाँ। केसवी को नहीं वोट देना इस बार? ना, केसवी को नहीं वोट देना। आप किसको वोट दीजिएगा? मोदी को देंगे। मोदी को वोट दीजिए। कह रहे हैं कि मोदी आएंगे तो फिर से स्थिति खराब हो जाएगी, महंगाई साहब कोई कह रहे हैं? आज तक हमारे जन्म हुआ है, आज तक हम नहीं देखे कि जो मोदी हमारे काम किया है, अयोध्या के माध्यम में कितनी आदमी खून हो गया है, जहाँ जहाँ हमारे बिहारी फंस गया था वहाँ जाकर मोदी और चिराग पासवान ने हमको सहायता किया है, वहाँ की कोई नेता बीच में सहायता करने की तैयार नहीं। चिराग पासवान सहायता किए आप लोग? बिल्कुल किया है। राजेश वर्मा इस बार उम्मीदवार हैं, जीतेंगे क्या? बिल्कुल जीतेंगे। राजेश वर्मा के जीतने की बात जो है वो कह रहे हैं, आप किसको जिताइएगा, किसको वोट दीजिएगा? किनको? अपने नेता को। कौन है आपके नेता? चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को वोट दीजिएगा? एक और उम्मीदवार है संजय कुशवाहा विपक्ष के, उनको वोट देना है? नहीं, उनको नहीं देना। अच्छा, आप बहुत सालों से यहाँ रहे, कौन कौन सी कमी आज भी नजर आती है, परेशानी क्या है यहाँ? परेशानी यहाँ अभी कुछ नहीं है, अभी के लिए सब ठीक हो गया। अब ठीक है, सब ठीक हो गया। अभी आइए, किसको वोट दीजिएगा? इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान एकदम। राजेश वर्मा को वोट? एकदम राजेश वर्मा जिंदाबाद। तो कह रहे हैं राजेश वर्मा बाहर से आए हैं, बाहर से खुश रहे, उसका विचार है परिवार में रहने वाला, इसलिए हम लोग देश का है ना। और भी युवा भी आप आ गया, ये किसको वोट दीजिएगा? चिराग पासवान। चिराग पासवान को वोट दीजिएगा? चिराग पासवान का घर है, लेकिन कोई लोग कहता है यहाँ आते नहीं। कौन बोला इबार ने? अभी भी तो वह साल में 6 महीना उनका यहीं रहना होता है। 6 महीना चिराग पासवान खगड़िया आते हैं जी। तो राजेश वर्मा को लेकर कहा जा रहा है कि राजेश वर्मा जो है बाहरी है। कैसे बाहरी हैं? भागलपुर मेरा जिले से सटा हुआ है, आज से कुछ दिन पहले पता कर लीजिए, दोनों एक ही विधानसभा होता था, लोकसभा आज के डेट में अलग हुआ है। ये कोई बड़ी बाहरी नहीं है, बाहरी तो ये लड़ रही है लालू यादव की बेटी। अच्छा, बाहरी है रोहिणी? अच्छा नहीं है, बताइए, विदेश से आके यहाँ लड़ेगी बिहार में? अब भागलपुर का जो बेटा है वो खगड़िया से लड़ रहा, बाहरी हो गया। कैसे बात खगड़िया की आती है, तो परेशानी क्या क्या है आज भी लगता है जिसकी कमी हो खगड़िया में? परेशानी बहुत है, लेकिन इस बार सुस्त हो जाएगा, इस बार सुस्त हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सांसद यहाँ से महबूब अली कैसर भी रहे हैं, क्या काम किए थे? वो अपने हिसाब से किए होंगे। अच्छा, अपने हिसाब? अपने हिसाब से। अच्छा, आप लोग भी हैं, किसको वोट दीजिएगा इस बार? चिराग पासवान। चिराग पासवान को वोट देंगे? और कोई, और किसी को नहीं वोट देना जी? नहीं। अच्छा, क्यों लगता है चिराग पासवान काम करेंगे? एक युवा है, युवा है, काम करेंगे, और उनका मेहनत जो हम लोग देख रहे हैं समाज में, गांव में, पूरे बिहार में जो वो मेहनत कर रहे हैं, जिस लगन से, जिस ढंग से
सुनिए, रामविलास पासवान के, रामविलास पासवान के बेटा भी हैं, यहाँ पर काम किए, काम किए हैं तब तो वोट मिलेगा। जी देखिए, जो बात है वो कहा जा रहा है कि काम किए हैं, कई लोग जो है नजर आएंगे, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। चिराग पासवान भी थोड़ी देर पहले आए थे और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, खगड़िया की तस्वीरें हैं। खगड़िया में जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि इस बार जो उम्मीदवार कौन आता है 6 महीने में, चिराग पासवान चार बार आते हैं, आते हैं, वोट देना है उनको, उसको देना है सर बंडी राजेश वर्मा को, राजेश वर्मा को। लेकिन भागलपुर से आए राजेश? नहीं देंगे उसको वोट एक तरफा। हाँ, वोट देने की बात जो है किसी को नहीं देंगे, कुछ बहला बाकाल में नहीं बाकेंगे, उसी को देंगे। अच्छा, उसी को वोट देना है। आप किसको वोट दीजिएगा? चिराग पासवान को। पासवान को, राजेश वर्मा उतरे उनको वोट देना है? हाँ देना है। देखिए राजेश वर्मा की बात हो रही है, आप किसको वोट दीजिएगा? चिराग पासवान। चिराग पासवान को लगता है कि जीतेंगे तो काम होगा यहाँ पर? जीतेगा, काम होगा, काम होगा, घर के बेटा इसीलिए वोट दे रहे हैं। देखिए घर के ही बेटा, आप किसको वोट दीजिएगा? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा को दीजिएगा। सब तो कह रहा है भागलपुर से आए, कहाँ रहेंगे? खगड़िया नहीं आएंगे, थोड़के खगड़िया आएंगे, काम करेंगे, काम करेंगे। अच्छा, संजय कुशवाहा भी इस बार उम्मीदवार हैं, उनको लगता है कि जीतेंगे? उम्मीद नहीं है। देखिए उम्मीद की भी बात है, और भी लोग हैं, किसको वोट दीजिएगा इस बार ये बताइए? राजेश वर्मा जी, हेलीकॉप्टर छाप। अच्छा, हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर आएगा तो बाहर भाग जाएंगे, या जो प्रत्याशी हैं वो भागलपुर के हैं, भागल के नहीं है, नहीं काम? अरे जो स्थानीय प्रत्याशी हैं अभी, वो राजद का मतलब महागठबंधन का, उनके भाई को पूछे वो बाहरी कैसे वहाँ से विधायक बन गए, तू भी तो बाहरी है। अरे लोकतंत्र में कोई बाहरी कोई अंदर की नहीं होती है, जहाँ से जिनके मन होगा मतलब भारत में कहीं से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर बात आती है बुनियादी चीजों की, अभाव की, तो आज भी किन चीजों से अभाव लगता है खगड़िया में? नहीं, लगभग सब कुछ हो चुका है, सब मोदी महबूब अली कैसर यहाँ पर सांसद रहे, क्या काम किए? अरे वो जो था वो तो चले गए, अब तो इसीलिए वो चले गए, जो रह गया वो राजेश वर्मा जी के नेतृत्व में। आपको क्या लगता है बेहतर चेहरा कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान, लेकिन यहाँ से चुनाव जो है राजेश वर्मा लड़ रहे हैं, लेकिन बाहरी कहा जा रहा, लगता है क्या बात? सुनिए एक मिनट, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान अलौली क्षेत्र के था, हाजीपुर से जीता था, वहाँ जनता क्यों नहीं भगा दिया है? मतलब मानते हैं कि काम करेंगे? हाँ काम करेगा। संजय कुशवाहा भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, इस बार वोट मिलेगा, क्या जनता साथ देगी? पहले ही मुंह पकाया हुआ है, 15 साल पहले भी मुंह पकाया हुआ है, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, वो तो लालू जी के साथ में था उस टाइम में, उससे इसीलिए। देखिए ये बात साफ है कि जो वोट है वो चिराग पासवान को दीजिए। हाँ, चिराग पासवान को लेकर कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल इसलिए भी है क्योंकि चिराग पासवान है वो यहीं के हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान इसी विधानसभा से थे और यहाँ से जीतते भी आए हैं। अब से एक सवाल है कि उम्मीदवारी जो है वो यहाँ से हुई है राजेश वर्मा की, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि पैसा लेकर टिकट दिया गया, ये गलत बात है, ये झूठ बोल रहा है और वो झूठ कम्युनिस्ट पार्टी जो है सब दिन झूठे बोलते आ गया। आप कम्युनिस्ट पार्टी, उनका घर मारर पड़ता है, वहाँ से चुनाव अपने पंचायत से चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, अपने पंचायत से हार जाएंगे? वो हार जाएंगे अपने पंचायत से, पता कीजिए जाके। अच्छा, तस्वीरें ऐसी आ जाएंगी कि वहाँ से भी हार जाएंगे और ये जीतेंगे राजेश? एकदम, राजेश वर्मा मारर से, उनका पंचायत है, वहाँ से चुनाव जीतेंगे क्योंकि किसान नहीं चाहता अपने खेतों में लाल झंडा गड़वाएं। अच्छा, लाल झंडा से डर है क्या लाल? हाँ, राजेश वर्मा को। अच्छा, राजेश वर्मा को जिताइए। हाँ, कह तो रहा है कि बाहर से आए हुए हैं इस बार, बहुत देर है जो है, इनका साफ कहना है कि इस बार उम्मीदवारी जो है वो चिराग पासवान के जो कैंडिडेट है यानी कि राजेश वर्मा की है और राजेश वर्मा को जिताने के लिए देखे ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और एक लफ्ज में जो है वो राजेश वर्मा के लिए वोट जो है वो मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसका अभाव था वो पूरा हो गया है और इस बार अलौली की जनता जो है वो राजेश वर्मा को जिताएगी और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो यहां से चुनाव जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष न्यूज नेशन खगड़िया।